नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। दोस्तों, आज बहुत ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो इनडाइजेशन की शिकायत करते हैं। पेट के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और तब बहुत हैरानी होती है जब ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि 10 साल से इलाज करा रहे हैं, 15 साल से इलाज करा रहे हैं, सब तरह के इलाज ट्राई कर लिए लेकिन कुछ आराम नहीं मिलता। बड़ी हैरानी होती है। क्यों हैरानी इसलिए होती है कि ये एक बहुत सिंपल सी चीज है और इतने इतने सालों से किस तरह का कौन सा इलाज हो रहा है कि उन्हें आराम नहीं हो रहा। तो आइए दोस्तों, आज इसी समस्या के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि 10-10 साल से इलाज हो रहा है और आराम नहीं मिलता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से ये इंडाइजेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पेट की प्रॉब्लम्स, पेट की समस्याएं क्रिएट होती हैं, और वो कितना आसान है हमें खुद ये चीज समझना और उसको खुद से ठीक कर पाना। और फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताऊंगा जिनके हेल्प से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस दौड़ती भागती जिंदगी में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है कि लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचना होता है, कभी कभी आधा ही खाना छोड़ के चले जाते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं। और ये एक बड़ा कारण है इनडाइजेशन का। जब आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाने में क्या होता है कि हम तेजी से खाने को अंदर मुंह में डालते हैं, जरा चबाते हैं और अंदर उतारते जाते हैं। और इसकी वजह से, इस जल्दबाजी की वजह से क्या होता है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे जिंक हैं, बी विटामिन्स हैं, ये सब बहुत कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना पाती हैं। और इसी तरीके से जो बाइल जूसेस हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं। और इन कारणों से जो डाइजेशन है वो आधा अधूरा रह जाता है। जब डाइजेशन आधा अधूरा रह जाएगा तो बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इंडाइजेशन की वजह से है। और ऐसे में तमाम लोग अस्पतालों के चक्कर लगाने लग जाते हैं और फिर वो डॉक्टर बदल बदल के परेशान होते रहते हैं और कहते हैं 10 साल हो गए इलाज कराते, 15 साल हो गए इलाज कराते। इतनी छोटी सी बात है, बहुत जल्दबाजी में खाना न खाएं। समझते हैं कि क्या छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा समझते हैं कि कैसे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प कर सकते हैं डाइजेशन को ठीक करने में। तो पहली चीज, खाना अच्छे से चबा के खाएं। खाना अगर अच्छे से चबा के नहीं खा रहे, धीरे खाने का, आराम से खाने का जो की जो जरूरत है वो यही है कि आप उसको अच्छे से चबा के तभी अंदर उतारें। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो देखिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, है ना, जिसमें आपके दांत भी शामिल हैं। अब आपने दांत से पूरा काम नहीं लिया, जल्दी जल्दी बड़े बड़े टुकड़ों में ही खाने को घोट गए, तो फिर जो आपकी इंटेस्टाइन है उसको आपके दांत का काम करना पड़ेगा। अब जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दूसरे हिस्से का काम करेगा तो या तो वो जल्दी थक जाएगा और या अपना काम अधूरा कर पाएगा, पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में डाइजेशन अधूरा रह जाएगा, आपका खाना पूरी तरह से पचेगा नहीं। तो अच्छे से चबाएं, और अच्छे से चबाने के बाद, कई बार आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि खाने को पानी की तरह और पानी को खाने की तरह, यानी पानी को घूंट घूंट धीरे धीरे पिए और खाने को इतना चबाएं कि वो पानी की तरह अंदर जाए। ऐसा करने से क्या होगा, जो आगे के ऑर्गन्स हैं उनका काम इजी हो जाएगा। जब यहां से खाना नीचे उतरेगा तो फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम शुरू होगा। वो इंटेस्टाइन क्या करती है, वो खाने में से न्यूट्रिएंट्स को अलग करती है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में अलग कर देगी, कार्बोहाइड्रेट्स में से शुगर अलग हो जाएगा, फैट में से फैटी एसिड्स को अलग करेगा, तो उसमें से जो न्यूट्रिशन है उसको अलग करके अब्सॉर्ब कर लेगा, फिर वो खाना आगे बढ़ जाएगा जो बाकी बचा हुआ है, और फिर वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में।
जहां पर जाकर के स्टूल फॉर्मेशन होती है ना, मल बनता है जहां, और वो वेस्ट प्रोडक्ट उसको शरीर बाहर वहां से फिर धकेल देता है। इस सब प्रक्रिया के बीच में कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जिनका काम होता है, जैसे एक है पैनक्रियास। पैनक्रिया का काम है, जब कार्बोहाइड्रेट से शुगर अलग होगा तो उस वो शुगर एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, उसकी मदद करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करना। फिर और एक ऑर्गन है जो बाइल जूसेस प्रोड्यूस करेगा, है ना, गॉल ब्लैडर बाइल जूसेस प्रोड्यूस करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस बनाएगा, है ना, जिससे छोटे 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 कणों में उसको डिवाइड किया जा सके। तो इस तरीके से सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का लोड बढ़ा दे रहे हैं जल्दी जल्दी खा करके। जब जल्दी जल्दी खा करके बड़े टुकड़ों में, तो उसकी आधी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है उस खाने को छोटे 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 टुकड़ों में बांटने में। वो थक जा रहा है, उसकी एनर्जी वेस्ट चली जा रही है, तो फिर वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा, तो आधा खाना पचा और आधा नहीं पचा, आधा डाइजेस्ट हुआ और आधा डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब क्या होगा, कभी आपने किसी डस्टबिन में या किसी भी जगह जहां बचा हुआ खाना पड़ा हुआ हो, है ना, कभी कभी लोग फेंक जाते हैं, बाहर डाल देते हैं, तो किसी भी ऐसी जगह पे देखेंगे जहां खाना पड़ा हुआ पुराना हो रहा है, बचा हुआ है, तो वहां आप जाएंगे तो कुछ स्मेल आने लगती है, वो सड़ने लगता है, वहां बैक्टीरिया बनने लगता है, उसमें स्मेल प्रोड्यूस होने लगती है, गैस रिलीज होने लग जाती है। ठीक यही प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है। जब हम इस तरह का कुछ काम करेंगे जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से, है ना, अपना पूरा काम ना कर पाए, यानी हमने बड़े बड़े टुकड़ों में खाने को अंदर धकेल दिया, ठीक से एसिड नहीं बनने दिया, है ना, तो ऐसा कुछ करेंगे तो खाना आधा बच गया। अब जो आधा बच गया वो वहां सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस रिलीज होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, है ना, उसकी वजह से लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी होने लग जाएगी। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहां बचा हुआ खाना सड़ रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो आधा अधूरा रह गया, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अब अगर किसी के साथ ऐसा हो ही गया है, समस्या आ ही गई है, तो कुछ आपको उपाय बता रहा हूं, कुछ सप्लीमेंट्स। नंबर वन, न्यूट्रलाइट फाइबर, इसको हमेशा खाने से पहले लें और कभी भी खाली पेट ना लें। जिस समय आप फाइबर यूज करेंगे, फाइबर ये एक नेचुरल, तीन सोर्सेस से लिया हुआ नेचुरल फाइबर होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, खाने से पहले उसके अंदर एक छोटा स्कूप होता है 4 मिलीग्राम का, है ना, सॉरी 4 ग्राम का, तो उसको पानी में डालें, मिलाएं और पी जाएं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, वाटर सोल्यूबल होता है। ये क्या करेगा, ये जो फाइबर है, एक तो जब फाइबर लें आप, तो उस समय अगर आप फाइबर ले रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका वाटर इनटेक थोड़ा ज्यादा हो, पानी ज्यादा पिया करें उन दिनों में, ठीक है। ये फाइबर क्या करेगा, अंदर जाकर के ये एक डैम की तरह काम करेगा, एक बांध जो कि आपके खाने को और आपके न्यूट्रिएंट के, उसमें से जो न्यूट्रिएंट है उसके फ्लो को रेगुलेट करेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर से प्रेशर को कम कर देगा, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम कर पाएगा और उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, और जो अच्छा बैक्टीरिया होता है उसको रहने के लिए कॉलोनी प्रोवाइड करेगा, वाटर रिटेन करके रख सकेगा। जैसे बांध बना देते हैं तो नदी के पानी को रोक लेता है वो, और फिर जितनी जरूरत होती है उतना इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से फाइबर शरीर में पानी को रोक के रखेगा और जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे उसको रिलीज करता है। इसके बाद नंबर टू, जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आप यूज कर सकते हैं वो है नेचुरल बी, है ना, न्यूट्रलाइट नेचुरल बी। ये बी विटामिन्स का एक कॉम्बिनेशन है, सारे बी विटामिन्स इसमें शामिल होते हैं। बी विटामिन्स का जो रोल है बॉडी में, वो आपका जब डाइजेशन होता है तो वहां से जो न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं, जो पोषण उसमें से शरीर खींचता है, तो उस पोषण को, है ना, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये काम, इसमें इस पूरी प्रक्रिया में बी विटामिन्स का रोल होता है, तो आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा और आपका एनर्जी लेवल भी ठीक होने लग जाएगा, राइट। और एक तीसरा न्यूट्रिएंट है न्यूट्रलाइट अमलकी विभीतकी हरितकी, ये एक हर्ब है जिसे बोलचाल की भाषा में त्रिफला कहा जाता है। तो
इसका इस्तेमाल करें। इसके तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं अम्ल की, विभिद की और हरित की, तीनों के तीनों एल्कलाइन होते हैं। ये आपको एसिडिटी से बहुत राहत देंगे, एसिडिटी के खिलाफ एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करते हैं, यानी उसका जो एसिडिटी का जो असर है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो उससे आपको एसिडिटी में बहुत आराम मिलेगा, साथ ही कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलेगा। और एक आखिरी न्यूट्रिएंट जो आप यूज कर सकते हैं वो है मिल्क थिसल, न्यूट्रलाइट मिल्क थिसल प्लस। मिल्क थिसल क्या करेगा? मिल्क थिसल आपके लीवर पर काम करता है, वो आपके लीवर को नए बीटा सेल्स बनाने में हेल्प करेगा। इस तरीके से आपका लीवर रीजनरेट कर पाता है अपने आप को और बेहतर परफॉर्म कर पाता है, यानी कि जब नया हो जाएगा, जब उसकी पूरी ओवरऑलिंग हो जाएगी, उसका मेंटेनेंस हो जाएगा, तो वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लीवर जो क्या वो जो लीवर क्या करता है कि लीवर जो आप फैट है ना उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसके अलावा लीवर एक छन्नी की तरह काम करता है, कुछ भी ऐसा चला जा रहा है बॉडी के अंदर जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसे काम का नहीं है, तो उसको छान करके शरीर से बाहर करता है। तो इस तरीके से लीवर का भी बहुत रोल है डाइजेशन में, वो भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। तो इस तरीके से ये चार सप्लीमेंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं वापस अपने पाचन तंत्र को चुस्त दुरुस्त बनाने में। इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या रहती है, बात नहीं क्लियर होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपकी हर संभव मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।